नमस्कार, मैं अमय कुरैशी, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। महापौर संयुक्ता भाटिया ने किया चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जी की मूर्ति का अनावरण, पुष्पार्चन कर किया नमन। महापौर संयुक्ता भाटिया द्वारा हिंद नगर वार्ड के नेबरहुड पार्क में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी के बलिदान दिवस के अवसर पर नगर निगम द्वारा स्थापित शहीद चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जी की मूर्ति का अनावरण किया। महापौर पूर्व में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण कर चुकी है। इस मौके के स्थानीय निवासियों ने महापौर का स्वागत किया और मूर्ति स्थापना के लिए धन्यवाद देते हुए आभार भी जताया। शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के बलिदान दिवस के अवसर पर महापौर संयुक्ता भाटिया ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद कहते थे कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। उनके इस नारे को हर युवा उस समय रोज दोहराता था। महापौर ने बताया कि सन 1920 में 14 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आजाद गांधी जी की असहयोग आंदोलन से जुड़े थे। देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जब पहली बार अंग्रेजों की कैद में आए तो उन्हें 15 कोड़ों की सजा दी गई थी। महापौर ने आगे बताया कि 14 साल की उम्र में ही वो गिरफ्तार हुए और जज के समक्ष प्रस्तुत किए गए। जज ने जब उनका नाम पूछा तो पूरी दृढ़ता से उन्होंने कहा आजाद। पिता का नाम पूछने पर जोर से बोले स्वतंत्रता, पता पूछने पर बोले जेल। इस पर जज ने उन्हें सरेआम 15 कोड़े लगाने की सजा सुनाई। महापौर ने कहा कि ये तो वो पल था जब उनकी पीठ पर 15 कोड़े बरसे थे और वो वंदे मातरम का उद्घोष करते रहे। यही वो दिन था जब देशवासी उन्हें आजाद के नाम से पुकारने लगे। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और अपने एक अन्य और मित्र के साथ योजना बना रहे थे। अचानक अंग्रेज पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। आजाद ने पुलिस पर गोलियां चलाई ताकि उनके साथी सुखदेव बचकर निकल सके। पुलिस की गोलियों से आजाद बुरी तरह घायल हो गए थे। वे सैकड़ों पुलिस वालों के सामने 20 मिनट तक दिलेरी से लड़ते रहे। आखिर उन्होंने अपना नारा आजाद है, आजाद रहेंगे, अर्थात न कभी पकड़े जाएंगे और न ही ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी को याद किया। इस तरह उन्होंने पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को ही मार दी और मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। महापौर ने कहा कि ऐसे इन महानायक पर देश को गर्व है। भारत माता के हजारों सपूतों ने अपने लहू से भारत माता की आजादी के लिए अभिषेक किया और अपने प्राण देकर भारत को आजादी दिलाई। हमारी हर श्वास उनकी कर्जदार है। इस मौके पर महापौर संयुक्ता भाटिया संघ स्थानीय पार्षद नेहा सौरभ सिंह उपस्थित रही। देखिए लखनऊ से आदिप सकेल के रिपोर्ट।